नमस्कार, जीएसटीवी ना वेब प्लेटफॉर्म साथे હું છું અંતી। દર્શક મિત્રો, એરપોર્ટ પર લાંબી લાઇનમાંથી હવે છૂટકારો મળશે, કારણ કે હવે બીજી યાત્રા આવી ગઈ છે। દિલ્હી એરપોર્ટ પર બીજી યાત્રા શરૂ કરવામાં આવ્યું, જે અંતર્ગત એરપોર્ટ પર જ્યારે પણ યાત્રીઓ પ્રવેશ કરતા હોય છે તેના માટે પોતાનો બોર્ડિંગ છે, બોર્ડિંગ પાસ તે સ્કેન કરાવવો પડતો હોય છે। હવે જ્યારે બોર્ડિંગ પાસ સ્કેન કરાવો ત્યારે સામે કેમેરા હોય છે, હવે કેમેરામાં તમારો ચહેરો પણ સ્કેન થઈ જતો હોય છે। सामान चेकिंग में घनी बधी वक्त लांबी लाइनो होय छे, जेना कारणे एवा पण किस्सा भारत में बन्या छे के एरपोर्ट पर पहुंची गया सामान चेक करावता लाइनो होवाना कारणे विमान चूकी गया होय तेवा यात्रीओ पण उदाहरण में छे। तो वधु पेसेंजर ने हेन्डल करवा माटे सरकार द्वारा नवी टेक्नोलॉजी लावामां आवी छे, जेमां जेमां चेहरानी बायोमेट्रिक विगतों आधारे पेसेंजर ने आगळ जवा देवामां आवशे। आपणे जेम वात करी के बोर्डिंग पास जारे स्केन करावानो होय छे त्यारे आपणो चेहरो पण स्केन थतो होय छे, अने त्यारे आ बायोमेट्रिक विगतों आधार पेसेंजर ने आगे मोकलवामां आवता होय छे। दिल्ली एरपोर्ट पर तो आ सीस्टम लागू करवामां आवी छे, एटले के बीजी यात्रा दिल्ली एरपोर्ट पर तो लागू करवामां आवी छे। हवे धीमे धीमे अलग अलग देशों में अने देश में पण अलग अलग जगह आ सीस्टम ने लागू करवामां आवशे, जेथी करीने ज्यारे आवुं बनतुं होय के आपणे एरपोर्ट पर पहोंची गया परंतु विमान चूकी जवानी जे घटना बने छे ए हवे बीजी यात्राना कारणे नहीं बने। आजना टॉपिक बस आटलुं, मने आपशो रजा, नमस्कार।